लोकप्रिय होना है तो क्या करना चाहिए, ऐसा लोग पूछते रहते हैं। तो आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अधिकारी महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हर एक को लगता है कि लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए, लोगों ने मुझे मान सम्मान देना चाहिए, लोगों ने मेरी तारीफ करना चाहिए, लोगों ने मेरा सुनना चाहिए, लोगों ने मेरे टीम में आना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो ऐसा लोगों में पॉपुलर होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। पर उसके लिए जो करना चाहिए वो लोग करते नहीं है। तो हम कुछ देखेंगे पॉइंट्स कि उसके लिए क्या किया जाए या हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों में लोकप्रिय हो सकते हैं। तो नंबर एक पॉइंट है कि भाई लोगों के ऊपर टीका करना छोड़ दो या लोगों को गलत ठहराना छोड़ दो, लोगों का विरोध करना छोड़ दो। नंबर एक, हर आदमी को लगता है कि मैं ठीक हूं, हर आदमी को लगता है कि मैं सही हूं, हर आदमी को लगता है कि मैं राइट हूं। और फिर हमने किसी को तू गलत है, तू गलत काम कर रहा है, या ये ठीक नहीं है, या उसका विरोध किया, तो किसी को अच्छा लगता नहीं। तो उसको टीका नहीं करना किसके ऊपर, किसको किसका विरोध नहीं करना है, तो गलत है ऐसा बोलना नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है, अपना अपना नजरिया है, और वो नजरिए से हर एक को अपना जो है वो सब ठीक लगता है। और फिर उसमें मैंने उसको कुछ बोला कि तू गलत है, तो वो उसको अच्छा लगता नहीं और फिर वो मुझे चाहता नहीं। तो कभी भी लोगों का विरोध मत करो, लोगों को गलत मत ठहराओ, लोगों को गलत मत साबित करो, और उनका उनका विरोध भी नहीं करने का है, कुछ भी नहीं करना है। और आपको कुछ बोलना ही है तो बोलना कि भाई मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा नजरिया है, और फिर बोलना है कि ये ऐसा ऐसा है, हो सकता है कि शायद आप भी बराबर है पर मुझे ऐसा लगता है। मतलब इस तरह का आप यदि बोलते हैं तो फिर वो सामने वाला ऑफेंड भी नहीं होगा और वो एग्जामिन करेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है कि लोगों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रवृत्त करो, लोगों को उनके बारे में सवाल करो, आप क्या करते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके बच्चे क्या करते हैं, फिर आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस में किस प्रकार के कस्टमर आते हैं, आपने जो अभी तक यश मिलाया, सफलता मिलाई, वो कैसी मिलाई, आप डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसा फेस करते हो, मतलब ऐसा उनको ऐसा सवाल करते हैं और उनको पूछते उनके बारे में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और आदमी फिर खुल के बात करता है। यानी किसको आपने बोला कि आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, आप इतने ऊंचाई पे कैसे आ गए, एकदम वो खुल के बात करने लगता है। तो लोगों को उनके बारे में बोलने के लिए प्रवृत्त करो। नंबर तीन, लोगों में हरदम अच्छे गुण देखो। देखो हर आदमी में गुण अच्छे हैं, गुण हैं और अच्छे गुण रहते हैं, मगर हम उनके गलत ही उनके गुण देखेंगे, मतलब अवगुण देखेंगे तो उनको अच्छा लगता नहीं है। तो अवगुण जो है वो देखना नहीं बाजू, गुण देखो, गुण के ऊपर फोकस करो। सीधा नियम है सरल कि जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे वो बड़ा होगा। आप अवगुण के ऊपर फोकस करेंगे, अवगुण बड़े होंगे, गुण के ऊपर फोकस करेंगे, गुण बड़े हो जाएंगे। तो हर आदमी में गुण है और उसके ऊपर फोकस करो, अवगुण को बाजू में करना पड़ेगा तो थोड़े से अच्छे गुण मिल जाएंगे। हो सकता है कि कोई हार्ड वर्कर है, कोई क्रिएटिव है ना, कोई तुरंत काम करने वाला है, कोई बहुत आर्टिस्टिक व्यू से काम करता है, कोई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। तो जो भी उसका गुण है वो गुण परखो, उसके ऊपर कैपिटलाइज करो और उसको अपने टीम में लेके वो गुण का फायदा कैसा कर सकते हैं टीम के लिए वो देखो। चौथा है कि लोगों को ऑर्डर देना बंद करो। किसी को आपने कुछ ऑर्डर दिया ना तो उसको अच्छा लगता नहीं है। समझो आपकी टीम है, आपके हाथ के नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप उनको ऑर्डर देते हो तो वो ऑर्डर समझ लेंगे, फॉलो करेंगे, मगर वो ऐसी पूरी करेंगे ऑर्डर कि भाई चलो वो तो आपने क्रिएट किया हुआ है, उनको जबरन करना पड़ता है करके करेंगे वो। और वही उन्होंने समझो ऐसा किया आपने कि चलो हम बैठे हैं, चलो ऐसा ऐसा प्लान है, ये हमको प्रोजेक्ट करना है, चलो आपको क्या लगता है किस तरह से हम काम कर सकते हैं, और लोगों से कुछ सजेशन लिए, लोगों का इनपुट लिए। करना आपको ही है, हो सकता है कि कुछ नया आपको उसमें मिल जाएगा और फिर हम बोल सकते हैं कि चलो हमने सबने ऐसा ठहरा हुआ है कि हम इस तरह का काम करेंगे।
तो सबको लगता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ये प्रोजेक्ट में है, मैंने जो सजेशन दिए वो सजेशन इसमें आए हुए हैं और वो खुश रहेगा। तो कभी भी ऑर्डर देना नहीं है, लोगों को सवाल करना है, उनके सजेशन लेना है और फिर बोलना है कि हमने सबने मिलकर ऐसा ठहरा हुआ है कि हम इसको इस तरह से करेंगे। तो लोगों का कोऑपरेशन लो, लोगों के सजेशन लो, करना आपको लगता है वही है मगर ऐसा बताने का है कि भाई सबने मिलकर हमने ये डिसीजन लिया हुआ है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, इस सामने वाले का हरदम फायदे का बोल, उसको क्या फायदा होगा, उसका कौन सा इंटरेस्ट सर होगा, उसका क्या कंसर्न है, उसकी क्या चिंता है, उसको क्या चाहिए, उसके बारे में बात करो। ऐसा बोला जाता है कि गंजे को भी आपने कंघी बेचते आना चाहिए, ऐसा सेल्समैन होना चाहिए। तो गंजे को कंघी मत बेचो। गंजे को चाहिए क्या, गंजे को चाहिए बाल। तो हेयर ट्रांसप्लांट कैसा अच्छा हो सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा कहां होगा या किस तरह से उसको विग मिलेगा बहुत बढ़िया कि वो ओरिजिनल बाल जैसा लगेगा, उसके बारे में बात करो, वो उसको पहले बेचो और वो बेचने के बाद में फिर कंघी बेचो। उसको क्या कंसर्न है, उसको क्या फायदे का है। नहीं तो क्या होता है कि सामने वाले को गंजे को भी आपने कंघी बेच दिया तो उसको ऐसा लगेगा मुझे फंसा दिया है। तो लोगों को कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होना, अनुभव नहीं होना कि मुझे फंसा दिया है, मुझे मैनिपुलेट कर लिया, मेरा गलत फायदा उठा लिया, ऐसा कभी किसी को लगना नहीं चाहिए। तो हरदम सामने वाले का फायदा जो उसमें होगा वो बोलो, उसको क्या मिल सकता है, उसके क्या कंसर्न है, उसको क्या चाहिए, उसका क्या फ्यूचर है, उसके बारे में बात करेंगे तो सामने वाला खुल जाएगा और वो हरदम आपकी कंपनी चाहेगा कि नहीं ये आदमी के पास में गए ना तो मुझे कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी के लिए मिलता है, ऐसा उसको लगता है। तो हरदम सामने वाले के फायदे का बोलो। फिर छठवां पॉइंट है कि सामने वाले को हरदम एक्नॉलेज करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो। जो भी आपको लगता है अच्छा लगता है सामने वाले में, उसको एक्नॉलेज करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको बहुत अच्छा लगता है। अप्रिशिएट में ऐसा करना है कि उसको वहां से कुछ तो भी ओपनिंग मिलेंगी, कुछ तो भी खुल जाएगा फ्यूचर के लिए, वैसा अप्रिशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ आपका शर्ट है ना बहुत अच्छा है और आप शर्ट में बहुत स्मार्ट दिखते हो, मैं ऐसा बोल सकता हूं और अप्रिशिएट कर सकता हूं। मगर मैंने ऐसा समझो उसको बोला कि आपका शर्ट बहुत ही बढ़िया है, आप स्मार्ट दिख रहे, आपका जो चॉइस है ना वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चॉइस आपने किया है शर्ट का। अभी क्या हो गया, उसको भी फ्यूचर खुल गया चॉइस का कि नहीं अपना चॉइस अच्छा है, मैंने अच्छा चॉइस किया। तो उसको मैं अभी अप्रिशिएट क्या कर रहा हूं, शर्ट के साथ साथ उसका जो चॉइस है उसको भी अप्रिशिएट कर रहा हूं ताकि उसको फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ ओपनिंग मिल जाती है। तो हरदम सामने वाले को अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो, एक्नॉलेज करो ताकि आप उसमें उनको अच्छा लगेगा और वो आपकी कंपनी हरदम चाहेंगे। सातवां पॉइंट है, हरदम कभी भी लोगों से अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखते हैं तो आपका अपेक्षा भंग हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी आपकी अपेक्षा पूर्ति के लिए यहाँ आया नहीं है, कोई भी आदमी अपेक्षा पूर्ति करने के लिए उसने कमिटमेंट दिया नहीं है। आपकी अपेक्षा होंगी उसको क्या मालूम कि ऐसी आपकी अपेक्षा है, समझो आपकी अपेक्षा है तो बोल के बताओ कि मेरी ऐसी अपेक्षा है, मगर आप साफ बोलेंगे भी नहीं, मन के मन में रखेंगे कि मेरी ऐसी अपेक्षा है उसने पूरी करना चाहिए। उसको कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है कि वो उसको आपकी अपेक्षा है काम क्या है मालूम हो जाएगा तो भी वो कैसे पूरी करेगा, आप दुखी हो जाओगे, आप अपसेट हो जाएंगे। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन जो है, अपेक्षा जो है, वो कभी भी किसी से मत करो, और करना ही है तो उसको साफ बोलो कि मेरी ऐसी अपेक्षा है, क्या मेरी अपेक्षा आप पूरी कर सकते हो। थोड़ा सा क्लियर कट बोल देंगे तो वहां बोलेगा या ना बोलेगा और आप अपसेट नहीं होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपेक्षा मत करो, कभी भी किसी से भी अपेक्षा मत करो, क्योंकि लोग कोई भी आपकी अपेक्षा पूरी करने वाले हैं नहीं और आप खामोखा अपसेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के साथ में बातचीत करते, व्यवहार करते हैं तो डेफिनेटली लोग चाहेंगे कि वो आपके पास आए, आपके कंपनी में आए, लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपका मान सम्मान करेंगे, लोग आपको चाहेंगे और फिर जिंदगी में मजा आएगा। हमारा मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप शेयर करो ताकि लोगों को एक मेंटल हेल्दीनेस अपने एनवायरनमेंट में, सर्कमस्टेंस में मिल जाएगा, जिससे कि लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पीनेस आएगा, मन शांति मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।